आप मेरे बताए तरीके से चाय बनाएंगे तो आपकी भी चाय बहुत मज़ेदार बनेगी। तो आइए बनाते हैं घर पर। चाय बनाने के लिए एक कप पानी ऐड करते हैं। पानी को एक उबाल आने तक तेज आँच रखेंगे। हमने एक टुकड़ा अदरक का लिया, दो छोटी इलायची लिया है, दोनों को कूट लेते हैं अच्छे से। इस बदलते मौसम में अदरक इलायची की चाय ज़रूर बना के पिएं, इसके बहुत ही फायदे हैं। अदरक इलायची हमारे सेहत के लिए बहुत गुणकारी है। गले की खराश, कफ, सर्दी जुकाम में बहुत ही फ़ायदा करता है अदरक। पानी में उबाल आ गया है, अदरक इलायची ऐड करते हैं। इसे तेज आंच पर 2 मिनट तक पका लेते हैं। इस तरह पानी में उबालने से अदरक का फ्लेवर अच्छे से आ जाता है। 2 कप दूध ऐड करते हैं। दूध को अदरक इलायची के साथ उबाल लेते हैं मीडियम आंच पर। अदरक इलायची को हमने दूध के साथ अच्छे से 5 मिनट तक उबाल लिया है, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। 2 चम्मच चाय पत्ती ऐड करते हैं। चाय पत्ती को 2 मिनट तक मीडियम आंच पर कलर आने तक पका लेते हैं। इस तरह चाय बनाने से चाय बहुत ही गाढ़ी बनती है। इस तरह बनाने से चाय में स्वाद बहुत अच्छा आता है। हमने चाय में शुगर ऐड नहीं किया है, आप अपने स्वाद के अनुसार चाय में शुगर ऐड कर सकते हैं। बहुत ही गाढ़ी अदरक इलायची की चाय बनकर तैयार हो गई है। इसे कप में निकाल लेते हैं। चाय को कप में छान लेते हैं। बहुत ही टेस्टी अदरक इलायची की चाय बनकर तैयार है। आप मेरे बताए तरीके से चाय बनाएंगी तो आपकी भी चाय बहुत मज़ेदार बनेगी। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आप भी बनाएं, पिएं, एंजॉय करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।